हेलो फ्रेंड्स, हमारे किचन में आपका स्वागत है। आज हम ब्रोकली की एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। आप इसे पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रोकली बनाने के लिए हमने लिया, सबसे पहले कढ़ाई ली है, उसे गैस पर रख कर गर्म कर लिया। उसमें हमने डाला सरसों का तेल, तेल को भी हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा और 1 पिंच हींग। जीरा और हींग को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 लौंग, 6-7 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े प्याज रफली चॉप्ड किए हुए, 2 टमाटर वो भी हमने रफली चॉप्ड किए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने 2 पीस में काट लिया है, 3 हरी मिर्च जिसे हमने बीच में से काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4-5 काजू और साथ में 4-5 बादाम। अब हम पूरे मसाले को एक साथ लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे सारे सब कुछ अच्छे से भुन जाए। 2-3 मिनट तक हम इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे जिससे हमारी प्याज टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 2-3 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके पकने देंगे जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भुन जाएगा। 2-3 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम उसको थोड़ा सा मैश कर देंगे और थोड़ी देर तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमें इसे कवर नहीं करना, हम इसे खोल कर ही थोड़ी देर पका लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए हमने इसको पीस लिया है। अब हम चलते हैं ब्रोकली की रेसिपी बनाने के लिए। हमने फिर से कढ़ाई रख ली है, उसको गरम कर लिया है। गरम करने के बाद हम उसमें फिर सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम करने के बाद हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता और उसे थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हमने जो मसाला पीसा था प्याज टमाटर का, उसे हम इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। देखिए इसमें रह गया है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी हिलाकर वापस से कढ़ाई में डाल देंगे और पूरे मसाले को भून लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे पहले ही भून चुके हैं। ये बहुत जल्दी भून जाएगा क्योंकि पहले से ही भुना हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, थोड़ा सा हींग और पूरे मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून रेड चिली पाउडर और उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ब्रोकली, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ी सी मटर और थोड़े पनीर के पीसेस जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है और सबको मिला देंगे। पूरे मसाले को सब्जी के साथ मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। हमने अभी तक नमक नहीं डाला था और 1/2 ग्लास पानी हमने लिया है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है। हम इसमें बाकी पानी भी डाल देते हैं। हमने सिर्फ 1/2 ग्लास पानी यूज़ किया है। आप अगर ग्रेवी पतली रखना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं और ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहते हैं तो कम पानी डालें। अब इसको हम ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर
3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि हमारी ब्रोकली और मटर गल ना जाएं। 3-4 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते कि हमारी ब्रोकली गली है या नहीं। अब हम इसे डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी और इसको भी मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए सब्जी को और कवर करके रख देते हैं क्योंकि अभी सब्जी गली नहीं है। 2-3 मिनट के बाद देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। हम ब्रोकली को चेक कर लेते हैं, हमारी ब्रोकली भी गल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और उसे मिक्स कर देंगे। धनिया डालने के बाद हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर, और पनीर डालकर हम उसे भी मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी देखिए बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रखी है, अगर आप पतली रखना चाहते हैं थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी ब्रोकली की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, जिसके साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं, सबको खिलाएं। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्रेस करें बेल बटन को। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।